विशिष्ट गतिलेखन निर्देशिका अभ्यास 37 गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इन कामों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को यह धन प्राप्त नहीं हो पाता। मेरा कहना तो यह है कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और संबंधित अधिकारियों को कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और मजबूर होकर उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। पैरा महोदय, जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में रुचि नहीं ले रही हैं। वे इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व को के प्रति सजग हों और केंद्र सरकार को इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग दें। जहां तक गैर सरकारी संस्थाओं का संबंध है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार का संकेत दिया है कि केवल कानून या सजा के द्वारा ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण भी तैयार किया जाए। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बहुत पहले से ही अनेक गैर सरकारी संस्थाएं इस कार्य को कर रही हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत काम किया है। मेरा अपना विचार है कि इस प्रकार की जितनी संस्थाएं इस समय देश में कार्य कर रही हैं, सरकार उनके साथ पूरा सहयोग करे और उनको सहायता दे ताकि वे और अधिक उत्साह से काम कर सकें। इन संस्थाओं के द्वारा सामाजिक स्तर पर हम
जितना भी प्रचार कर सके वह हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध भी होगा। विराम।